आरजेडी आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए। वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चला, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकते, ये गारंटी। हाँ, जब इन लोगों ने सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया तो वहाँ तो महामहिम राज्यपाल ने तुरंत निमंत्रण भी दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और ऐसे में लगातार जो है विपक्षियों की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर दो टूक जवाब दिया है। भाजपा की ओर से बनाए गए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर इसको लेकर जवाब दिया और साफ कहा कि भ्रष्टाचारी दोषी बचेंगे नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी ईडी की पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू तेजस्वी पर भी इशारों में निशाना साध दिया और साफ कहा है कि जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल जाएंगे, चाहे कोई भी हो। कहीं ना कहीं लालू तेजस्वी पर भी निशाना जो है वो भाजपा के उप मुख्यमंत्री निशाना साध दिया। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेंशन और भी होगा, और भी मंत्री शपथ? स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में होंगे। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए। वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन है? तो 9 मिनिस्टर है, 2-2 डिप्टी CM है, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। अब नीति 5वीं बार है, वो अरविंद केजरीवाल को समन भेज रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकते, ये गारंटी है। गारंटी स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना। हेमंत सोरेन ने कहा है, फंसाने की कोशिश हो रही है, साजिश रचा जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ जब इन लोगों ने सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया तो वहाँ तो महामहिम राज्यपाल ने तुरंत निमंत्रण भी दिया। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उसको तो कार्रवाई करना, सामना करना है। पूजा शुरू हो गई, एकदम अच्छी बात है, भगवान भगवान की पूजा। एक सवाल है, कहीं साफ तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने जो है पासा फेंक दिया और साफ कहा कि मुख्यमंत्री को तय करना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने को लेकर भाजपा जरूर चिंतित लग रही है, और भाजपा जदयू और हम के बीच जो है मंत्रियों कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा इसको लेकर जो उठा पटक की स्थिति है वो देखने को मिल रही है, और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देर है। लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री को तय करना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है, बिहार में अन्य मंत्री कब बनते हैं, किस कोटे से कितने मंत्री बनते हैं, तो वहीं लालू तेजस्वी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ईडी के जरिए, ये तमाम बातों पर अब सबों की नज़र है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।